विश्वासिना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर। मत ढूंढ चिन्ना चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। अविश्वासी ना बनकर आजा, विश्वास है तो जो कुछ दृश्य दृश्य हो जाएगा तुझको। विश्वास है तो जो कुछ दृश्य दृश्य हो जाएगा तुझको। प्रत्याशा के साथ सोना मिले आशीष दे देंगे ईश्वर, सुन लेंगे ईश्वर। अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर। मत ढूंढ चिन्ना चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। अविश्वासी ना बनकर आजा। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के समक्ष में हम सब आए हैं। हमारे सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। आज हम दान्य कार्लो अक्विटेस का त्योहार मनाते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा विशेष करके आत्मदर्शन टीवी के लिए, सभी मिनिस्ट्री के लिए, सभी मीडिया मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हम प्रभु को धन्यवाद कहें सिस्टर अंजना के लिए। आज सिस्टर अंजना अपने बर्थडे मना रही है, विशेष करके सिस्टर के लिए और उनके सभी मना कामनाओं के लिए हम प्रभु यीशु से निवेदन करें, प्रार्थना करें और उनको प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए धन्य कार्लो अक्विटेस द्वारा हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम धन्य कार्लो अक्विटेस के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। उनका त्योहार हम आज मनाते हैं, विशेष करके आत्मदर्शन टीवी के लिए, हमारे सभी मीडिया मिनिस्ट्री के लिए हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु से विनती करें, प्रार्थना करें। और धन्य कार्लो अक्विटेस हम सबों के लिए वास्तव में एक प्रेरणा स्रोत है। किस प्रकार हम सब एक क्रिस्त विश्वासी बनना है, किस प्रकार प्रभु का एक अनुयायी बनना है, वो वास्तव में धन्य कार्लो हम सबों को सिखाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्य कार्लो अक्विटेस से हम सीखें। सिर्फ 15 साल उन्होंने अपना जीवन इस धरती पे बिताया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया द्वारा ईश वचन को फैलाने के लिए काफी मेहनत किया। हमारे लिए वो बहुत प्रेरणा देते हैं। तो आइए धन्य कार्लो अक्विटेस की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि हम भी एक अच्छा विश्वासी बनकर प्रभु के राह पे चलें
प्रभु के साथ अपना समय अपना जीवन बिताए, ताकि हम भी एक अच्छा क्रिस्त अनुयायी बने। तो आइए हमारे सभी कमजोरियों को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए माफी मांगे, ताकि ये पवित्र बलि चढ़ाने के हम योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे, तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे, महिमा महिमा परम महिमा, कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर, तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना, महिमा महिमा परम महिमा, प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर, ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने, महिमा महिमा परम महिमा, विराजमान
मन प्रार्थना करे, हे ईश्वर तूने सिखाया है कि सारे धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम आनंद जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12 पद संख्याएं 7-10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं अपने कमजोरियों पर गौरव करूंगा ताकि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है, मैं इस पर घमंड ना करूं, इसीलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तब बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संस्कार से झुके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, है आराधना मेरा जीवन, है आराधना मेरा जीवन। जीना है तुमसे मिलकर अब तो, जीवन के हर पल रास्ता हो तुम ही मंजिल। जीना है तुमसे मिलकर अब तो, जीवन के हर पल रास्ता हो तुम ही मंजिल। सारे गमों का मुझको मिला गया, सारे गमों का मुझको गिला गया, यीशु है मेरे संग प्यार भरा मधुबन। बरसो बन के रिमझिम सावन,
दिन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम लोटे, उसका नाम महान है। अल्लेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में शाम को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम धन्य कार्लो अक्विटिस के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। धन्य कार्लो अक्विटिस का त्योहार मनाते हैं। जब हम धन्य कार्लो अक्विटिस के बारे में पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वास्तव में हमको यही सिखाते हैं। पहली बात यह है, क्रिस्त शिष्य वास्तव में कौन है, और ये भी वो सिखाते हैं एक क्रिस्त शिष्य किस प्रकार होना चाहिए। सिर्फ 15 साल इस धरती में अपना जीवन बिताकर हम सबों के लिए वास्तव में वो प्रेरणा देते हैं कैसे हम भी एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बनना है। और वो प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में अनुभव करें। उसकी मां हम सबों को धन्य कार्लो अक्विटिस के बारे में बताते हैं, वो रोज पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते थे और ये भी करते थे हमारी मां के द्वारा हमेशा रोजरी माला द्वारा सबके लिए वो विनती करते थे, सबके लिए वो प्रार्थना करते थे। वास्तव में धन्य कार्लो हम सबों के लिए प्रेरणा देते हैं कैसे अपना क्रिस्तीय जीवन बिताना है। आज के पहले पाठ में हमने सुना है, संत पौलुस कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और सुसमाचार में हमने सुना है, ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को
हम सबों के लिए अर्पित कर दिया है। अगर हमको एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बनना है तो हमको भी इस प्रकार सोचना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। क्या हम उस प्रभु में विश्वास करते हैं? क्या हम उस प्रभु को अनुभव करने के लिए तैयार है? क्या हम उस प्रभु के पास जाने को कोशिश करते हैं? ये सोचने की बात है। और धन्य कार्लो हम सबों को यह भी सिखाते हैं, एक अच्छा क्रिस्त शिष्य होने के नाते एक दूसरों को मदद करना, एक दूसरों के साथ प्यार में रहना, प्रेम के साथ रहना और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन बिताना, तब हम सब एक अच्छा क्रिस्त शिष्य और क्रिस्त विश्वासी बन सकते हैं। उसने 15 साल इस धरती पे अपने जीवन बिताकर यही हम सबों को बताते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में भी बदलाव लाने के लिए कोशिश करें। अपने जीवन में भी प्रभु येसु को अनुभव करने के लिए हम कोशिश करें, ताकि हम भी एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बनकर, एक अच्छा क्रिस्त विश्वासी बनकर एक दूसरों को प्रेरणा दे और प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए। प्रभु येसु धन्य कार्लो हम सबों के लिए हमेशा प्रार्थना करें और विनती करें, ताकि हम भी हमेशा उस प्रभु के पास हमेशा रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी
आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम प्यालों में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायक स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यीशु क्या है उपहार तुझे पूर्णदम महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से ओत प्रोत कर हम उसी स्वर्गीय जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास यहां होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशो गान गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में हो सन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में हो सन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में हो सन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग प्रभु। तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तू उन्हें उबारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए, जो वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने के सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनर्धान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल और हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ और धन्य कार्लो अक्विटिस जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इनी के सारी में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के सरगर तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु येसु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। विशेष करके सिस्टांचना के लिए भी हम प्रार्थना करें और धन्य कार्लो अक्विटिस की मध्यस्थता द्वारा हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु येसु के सामने रखते हुए हम एक साथ बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा भरोसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाया जाता है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त शरीर रक्त हमको अनंत जीवन प्रदान करे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इन संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है, कृपा पूर्व हमारे सहायता कर कि हम संस्कार द्वारा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा, आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद।
मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। शांति मिले जब नीति मिले, मुक्ति मिले जब प्रीति मिले, जग को जब जब ज्योति मिले तब मानो, तब मानो। ये मेरे प्रभु का ही अंश है। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो, तुम मुझ में जीवित हो, तुम मुझ में जीवित हो।